हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th. दिस इज गोइंग टू बी योर 13th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. एंड आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लेंसेज. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी लेंस क्या होता है. बेसिकली आज क्योंकि लेंस हम शुरू कर रहे हैं तो ये एक इंट्रोडक्शन जैसा लेक्चर होगा आपके लिए. आप सीखोगे यहाँ पे लेंस हम किसे कहते हैं एंड देर आर वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. तो आज हम लेंसेज के साथ साथ वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज भी करने वाले हैं. तो अगर आपने इससे पहले का 12 लेक्चर्स जो भी मैंने बनाया है इस चैप्टर पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके लेक्चर देख सकते हो. लेक्चर्स में मैं आपको बता दूं, इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम स्कूल लेवल एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, NTSC को टारगेट कर रहे हैं, ओलंपियड लेवल के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं एंड IIT बेस जो फाउंडेशन ज़रूरी है फिजिक्स में आपके लिए, तो वो सब हम यहाँ पे कर रहे हैं. क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक सब कुछ, तो सबको पता है यहाँ पे करना क्या है. अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखा इससे पहले का, आप कुछ भी टॉपिक्स आप करना चाहते हो, रिफ्रैक्शन क्या होता है आप ये सीखना चाहते हो, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये सीखना चाहते हो, स्नेल्स लॉ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे मेरे लेक्चर में, मेरे सीरीज़ में, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं लेंसेज. लेंसेज के ऊपर बात करेंगे आज, और लेक्चर बहुत ही बेसिक रहने वाला है आज का, ठीक है, क्योंकि हमें सीखना है लेंसेज क्या होता है. बेसिकली आज हम रे डायग्राम या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज का टॉपिक आज नहीं करेंगे, वो इसके बाद वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर 14 में आपको मिलेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम सीख रहे हैं लेंसेज क्या होगा, ये लेंसेज होता क्या है. तो डेफिनेशन की जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसे लिख लो, आप एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछे स्कूल एग्जामिनेशन में व्हाट आर लेंसेज या व्हाट इज लेंस, तो आप बता दो कि एक लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है बॉन्डेड बाय टू सर्फेसेस, ठीक है, जिसमें से एक सर्फेस एटलीस्ट आपका स्फेरिकल होना चाहिए, तो ये कहलाता है लेंसेज. अब बेसिकली देयर आर टू ब्रॉड वेज जिसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं लेंसेज को, ठीक है. देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज ब्रॉडली, बट हम उसके अंदर जब जाएंगे लेंसेज के अंदर, तो उसके अंदर ही बहुत सारे कैटेगरीज हैं लेंसेज के, तो वो भी हम देखने वाले हैं आज. तो बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज़ भी, जिस तरह से हमने अब तक सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, उसी तरह से मैं इस टॉपिक को आपको बहुत डिटेल से, इस टॉपिक को भी मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ. चलिए तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज से. तो लेंसेज समझ गए ना क्या होता है, लेंसेज क्या होता है. देखो, एक ऐसा मीडियम या फिर एक ऐसा मटेरियल ले लो जहाँ से तुम आर पार देख पाओ, मतलब ट्रांसपेरेंट हो वो, ठीक है, दोनों ट्रांसपेरेंट हो, और क्या है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम दोनों ट्रांसपेरेंट हो, ऑप्टिकल मीडियम होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, दो सर्फेसेस हो जिसमें से एक सर्फेस एटलीस्ट दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस हो, मतलब अगर रिफ्रैक्शन इस पार्ट से हो रहा है तो उस पार्ट से भी होना चाहिए, दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस हो, और उनमें से कोई एक सर्फेस, एटलीस्ट एक सर्फेस स्फेरिकल होना चाहिए. सीखेंगे आगे क्या है. चलो टाइप्स ऑफ लेंसेज हेडिंग दे देंगे, टाइप्स ऑफ लेंसेज, और हमारे सिलेबस में जो भी लेंसेज है ऑल आर थिन लेंसेज. हमें 98% केसेस में थिन लेंसेज के साथ ही डिस्कस करना है, थिन लेंसेज. आगे बताएंगे ये थिन लेंसेज का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले टाइप्स ऑफ लेंसेज सुन लो. तो फर्स्ट टाइप इज कॉन्वेक्स लेंस, और सेकेंड टाइप इज कॉनकेव लेंस. फिगर बना लेते हैं ज़रा इन दोनों का. सॉरी, नाउ कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है. देखो, इस तरह का लेंस जहाँ पे एजेस पे दिख रहा है आपको थिकनेस कम है, ये एजेस देखो, एजेस पे थिकनेस कम है और सेंटर पे थिकनेस ज़्यादा है, तो दीज टाइप ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंसेज. दिस टाइप्स ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है. अब कॉन्वेक्स लेंसेज को हम कॉन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है इस कॉन्वेक्स लेंस पे, रे ऑफ लाइट जब भी इंसिडेंट होगा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, इस रे ऑफ लाइट को कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है. इस तरह से रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है, तो इसीलिए इस लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग. ये इसका नेचर है, कन्वर्जिंग लेंसेज. ओके, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देगा. दूसरा है कॉनकेव लेंस. देखो,
अब इस कॉन्केव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में थिकनेस था बट यहाँ पे एजेस पे थिकनेस है, थिकर एट दी एजेस एंड थिनर एट दी सेंटर या बीच में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्केव लेंस। अब इस लेंस का नेचर क्या होने वाला है ये देख लो, इस लेंस का नेचर होता है डाइवर्जिंग। जब रेज ऑफ लाइट इस तरह से इसके ऊपर पड़ेगा, इंसिडेंट रेज, तो ये इस रेज को डाइवर्ज कर देगा, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डेफिनेशन में क्या है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है बीच में, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब यहाँ से तुम इधर देख सकते हो, इधर से तुम इधर देख सकते हो, बीच में ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, बॉन्डेड बाय टू सर्फेसेस। देखो एक सर्फेस ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट सर्फेस एंड दिस इज द सेकेंड सर्फेस, ठीक है, बॉन्डेड बाय टू सर्फेसेस वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये सर्फेस भी एक स्फेरिकल है, अगर यहाँ पर तुम स्फेयर कंप्लीट कराओगे तो इस तरह से स्फेयर कंप्लीट होगा, ठीक है, तो ये सरफेस भी स्फेरिकल हो गया और ये सरफेस भी एक स्फेयर बनाएगा। यहां पे क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ विच एटलीस्ट, कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, तो देखो सरफेस स्फेरिकल है ना, एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, यहां दो स्फेरिकल सर्फेसेस है। उसी तरह वहां पर देखिए, बॉन्डेड बाई टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेस से बॉन्डेड है, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, इनमें से कोई एक स्फेरिकल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो दो स्फेरिकल सर्फेस दिख रहा है हमें, वन स्फेरिकल सर्फेस दिस एंड वन स्फेरिकल सर्फेस दिस, तो इसे कहते हैं हम लेंसेज, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जिंग, कॉन्केव को कहते हैं डाइवर्जिंग, क्लियर क्लियर, इतना क्लियर है। देखो अगर आपने लेंसेस से पहले मिरर किया होगा तो आपको समझ आ रहा होगा ये किस तरह से स्फीयर कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम स्फीयर को लेकर की टर्म्स इसमें डिफाइन करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो यहाँ पे दो सर्फेसेस है तो दो दो आएगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इस तरह से आएगा। तो आगे देखने वाले हम ये सब, पहले इतना कॉपी कर लेंगे, याद क्या रखना है, ये सब थिन लेंसेस है, ठीक है। अब थिन लेंसेज का कॉन्सेप्ट क्या है ये ज़रा समझ लेंगे, समझेंगे थिन लेंसेस क्यों बोला गया हमारे सिलेबस में कि लेंसेस, ऑल लेंसेस आर थिन। देखो थिन लेंसेज का कॉन्सेप्ट क्या है समझो, मान लो ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये लेंस बहुत ज़्यादा थिक है इस तरह से, ये थिक लेंस ले लेते हैं एक, और एक थिन लेंस ले लेते हैं, थिकनेस नेग्लिजिबल, ठीक है, यहाँ थिकनेस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, ऐसे तो जब एक्चुअल में देखोगे तो ये तो और थिन होता है, ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, थिकनेस और कम होता है। अब देखो हम इस पार्ट को काट लेते हैं, यहाँ से इस पार्ट को निकाल लेते हैं काट करके, और यहाँ से इस पार्ट को हम काट कर निकाल लेते हैं। तो इस पार्ट को जब हम काट कर निकालेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। देखो क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपने देखा है ना इससे पहले का वीडियो, और यहाँ से ये रेक्टेंगुलर शेप निकालेंगे तो छोटा सा रेक्टेंगल निकलेगा। अब लाइट रे अगर हम इधर से इंसिडेंट करते हैं, सपोज हम एक लाइट रे को इधर से इंसिडेंट कर रहे हैं ये इस तरह से, तो होगा क्या, तो जब हम लाइट रे इंसिडेंट करेंगे इधर से तो ये एयर है बाहर का मीडियम, अंदर का मीडियम ग्लास है, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, रिफ्रैक्शन होगा, एयर से ग्लास जा रहा है, रेयरर से डेंसर जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, इस तरह से बेंड करेगा पहले, फिर यहाँ ग्लास से एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, मतलब ये जो डाइवर्जिंग है यहाँ पे देखो, ये जो डाइवर्जिंग है, जो सॉरी ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट या यहाँ पे कुछ बेंड करेगा और यहाँ पे कुछ बेंड करेगा, तो फाइनली जो रे निकल कर आएगा वो इस रे से थोड़ा शिफ्टेड होगा, इस इंसिडेंट रे से, जो इनिशियल रेस था इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ मैंने बताया आपको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर ये टॉपिक आपको देखना है तो आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला टॉपिक जाकर देख लो। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इंसिडेंट रे से ये इमर्जेंट रे थोड़ा लेटरल डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे जब हम देखें तो ये तो बहुत छोटा सा रेक्टेंगुलर सरफेस है,
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा या फिर यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगा, जो हम कह रहे हैं सिर्फ शिफ्टिंग, वो शिफ्टिंग बहुत ही कम होगा, ना के बराबर। देखो ये है ओरिजिनल पाथ और ये है शिफ्टिंग, इसमें तो इस केस में शिफ्टिंग बहुत कम होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे सिलेबस में लेंसेज थिन है, देर आर थिन लेंसेज। ठीक है, तुम ट्वेल्थ में भी जब पढ़ोगे लेंसेज तो तुम्हें थिन लेंसेज ही पढ़ना है, थिक लेंसेज के बारे में हमें नहीं पढ़ाई करना। ठीक है, अब यहाँ देखो शिफ्टिंग कैसे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था शिफ्ट, शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट होता है डी वन माइनस वन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब ग्लास अगर है ये चीज़ तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये शिफ्ट जो है वो डी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। डी क्या है, डिस्टेंस या थिकनेस हम कह सकते हैं, ये जो थिकनेस है ग्लास स्लैब का डी, ये भी थिकनेस है देखो डी। अब इसमें डी किस में कम है, मतलब ये हो गया कि ये जो शिफ्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब से, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ देखो यहाँ थिकनेस ज़्यादा तो शिफ्टिंग इस केस में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ थिकनेस नेग्लिजिबल ना के बराबर टेंस टू जीरो, जब थिकनेस टेंस टू जीरो है तो शिफ्टिंग भी टेंस टू जीरो, मतलब ना के बराबर नेग्लिजिबल। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ऑल दी लेंसेज इन आवर सिलेबस इज वॉट थिन लेंसेज। ठीक है, कई बार बहुत सारे बुक्स में या फिर कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिटिव बुक्स जब तुम उठाकर पढ़ोगे तो कई बार सिर्फ एक सिंगल लाइन से लेंसेज को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल लाइन यहाँ पे इस तरह से बना दिया जाएगा और नीचे लिख दिया जाएगा दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम्हें पता होगा कि ये थिन लाइन क्यों बनाया जा रहा है तब तुम बना लोगे, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि ये थिन लाइन क्यों बनाया जा रहा है तब तुम्हें प्रॉब्लम होगा कि ये लेंस तो है नहीं, लेंस जैसा दिख नहीं रहा। आपको समझना है यहाँ पे ये लेंस का थिकनेस इतना छोटा इतना कम है कि ये एक लाइन की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, कॉन्वेक्स है तो रे ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज कर देगा अगर कॉन्वेक्स है तो, और अगर कॉन्केव होगा तो रे ऑफ लाइट को यहाँ से डाइवर्ज कर देगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? सो दीज आर थिन लेंसेज, समझ गए? तो थिन लेंसेज का, थिन लेंसेज लेने का रीज़न हमारा क्या है, ये सब चीज़ क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे बहुत ही बेसिक डिस्कशन हम कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक एक माइंडसेट मिल जाए कि लेंसेज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो लेंस किस तरह का है, क्या है उस लेंसेज में, क्या नहीं है उस लेंसेज में। तब जाकर आपका जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तब जाकर आपसे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे नहीं, तुम स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में देखो ना, स्कूल लेवल के बुक्स में उठा कर देख लो, कहीं भी तुम्हें नहीं बोला जाएगा यहाँ पे कि थिन लेंसेज है या फिर कुछ भी है। तुम्हें सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम सिंपली उसे सॉल्व कर दोगे फॉर्मूला लगाकर, बिना सोचे समझे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और एक्चुअल में ये लेंस है कैसा। तो आपको समझना ज़रूरी है, तो कॉपी करेंगे पहले इतना। अब जिस तरह देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, उसी तरह कॉन्वेक्स को भी हम अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं लेंसेज के अंदर और इसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह देखो कॉन्वेक्स भी, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। फर्स्ट इज इसके शेप के बेसिस पे, फर्स्ट इज दिस वन जो हम जनरली देखते हैं अपने बुक्स में, फर्स्ट इज दिस वन। Now this type of lens is called as biconvex. This is biconvex or equiconvex. Equiconvex. Second type. This is plano-convex. Plano. Convex and the third this is concavo convex। अब ये अलग अलग नाम पड़ा कैसे उसे समझो। देखो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइप है कॉन्वेक्स का, इसे कहते हैं हम बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स। अब ये बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड है ना, ये जो यहाँ पे दो पार्ट दिख रहा होगा आपको नाम में, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकेंड पार्ट। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट बताता है ये शेप कैसा है, ठीक है, इसके शेप के बारे में बताता है हमें। इक्वी या बाई, बाई मीन्स इधर भी और इधर भी, दोनों सेम सरफेस होगा। प्लेनो मतलब एक सरफेस प्लेन होगा।
कॉनकेव मतलब एक सरफेस कॉनकेव जैसा होगा। कॉनकेव लेंस देखो, कॉनकेव लेंस का सरफेस इस तरह होता है, केव की तरह कॉनकेव लेंस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरह होता है। तो बाई कॉन्वेक्स में दोनों सिमिलर से शेप्स होगा, दोनों स्फेरिकल होगा, बाई कॉन्वेक्स में या इक्वी कॉन्वेक्स में दोनों स्फेरिकल सरफेस होगा। बट प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस प्लेन होगा, जिसे हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। द फर्स्ट नेम यहाँ पे दो ना हमें, फर्स्ट नेम ये बताता है कि इसका शेप कैसा है, ठीक है। अब ये देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो मतलब ये जो कॉनकेव पार्ट दिख रहा है आपको, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉनकेवो। और सेकंड नाम, जो सेकंड नाम है यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ये इसका प्रॉपर्टी है, इसका नेचर के बारे में बताता है कि इसका नेचर क्या होगा। फाइनली इसके अंदर जो नेचर होगा वो होगा कन्वर्जिंग, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। इसके अंदर भी नेचर होगा कन्वर्जिंग, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। ये भी कॉन्वेक्स होता है, इसका नेचर होगा कन्वर्जिंग। मतलब ये कि अगर रे ऑफ लाइट को इन तीनों लेंसेज से पास किया जाए तो रे डाइवर्ट करेगा या कन्वर्ज करेगा, वो डिपेंड करता है इसके सेकंड नाम पे। जैसे सेकंड नाम है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, तो इन तीनों का नेचर है कॉन्वेक्स। और फर्स्ट नेम डिसाइड करता है कि इसका शेप कैसा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में, एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। तो ये तीनों लेंसेज हैं, इनमें से हर एक सरफेस को देखो, कम से कम एक सरफेस को देखो स्फेरिकल तुम्हें दिखेगा। यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों सरफेस स्फेरिकल है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी चल सकता है। क्या यहाँ पे एक सरफेस स्फेरिकल है, आपको दिख रहा होगा, यस, एक सरफेस स्फेरिकल और दूसरा सरफेस प्लेन है। ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड सरफेस स्फेरिकल, इससे स्फेयर कंप्लीट कराओगे तो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे तुम स्फेयर कंप्लीट करोगे तो स्फेयर कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, देखिए, और यहाँ पे स्फेयर कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे तो दो स्फेरिकल सरफेस है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बोला गया, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, क्या हम लेंस कहेंगे, देखेंगे दूसरा सरफेस को, दूसरा सरफेस यहाँ पे स्फेरिकल है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, मतलब एक, दोनों में से कोई एक स्फेरिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो देखो ये पार्ट, तो ये सरफेस तो स्फेरिकल हमें दिख रहा है, ये स्फेरिकल हमें दिख रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे ये सरफेस, सेकंड सरफेस, ये भी स्फेरिकल है कि नहीं, स्फेरिकल है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि तीनों जो है कॉन्वर्जिंग है और तीनों लेंस है। लेंस का डेफिनेशन जैसे पूरे डेफिनेशन में फिट हो रहा है, ये तीनों लेंस है और तीनों लेंस में शेप अलग अलग है, लेकिन उसका नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स नेचर का है। मतलब रेज जो भी अंदर जाकर लड़ेगा भिड़ेगा, वापस से जाकर के क्या होगा, फाइनली कन्वर्ज कर जाएगा। यहाँ पर भी रेज अंदर जाएगा, लड़ेगा भिड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, पर फाइनली जब रेज इमर्ज करेगा तो वो कन्वर्ज करके इमर्ज करेगा। इस तरह से समझना है आपको। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सेकेंड नेम सजेस्ट द नेचर ऑफ द लेंसेज, दैट इज वेदर दिस इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स। सपोज यहाँ पे एक तीन चार ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चार पांच आपको बनाकर दे दे लेंसेज और पूछे कि ये लेंस का नेचर क्या है, तो अब देखो ये लेंस का नेचर क्या होगा, नाम यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो नेचर कैसा होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। उधर देखोगे नाम दे दिया गया कॉन्केव कॉन्वेक्स, इसका नेचर क्या होगा, देखना सेकेंड नेम कॉन्वेक्स मतलब नेचर है कन्वर्जिंग, शेप कैसा है तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है। शेप कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका शेप कैसा है, बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है, समझ गए। तो बेसिकली जो हमें डिस्कस करना है अपने सिलेबस में वो ये है, हम ज़्यादातर क्वेश्चंस और ज़्यादातर क्या सारा क्वेश्चन हम इसी को करेंगे, इसी लेंस को यूज़ करके करेंगे, बाई कन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स। हमें प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स डिटेल में पढ़ना नहीं है। हाँ, एक और बात, अगर क्वेश्चन में तुम्हें स्पेसिफाई कर दे द गिवन लेंस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तब तुम यहाँ पे इस लेंस को यूज़ नहीं कर सकते हो, अब तुम्हें वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आएगा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। जब तक तुम्हें बोला ना जाए तब तक तुम अलग अलग लेंस को अलग अलग लेंस के बारे में नहीं सोचना। बट अगर तुम्हें ये बोल दे कि अ लेंस ऑफ सर्टेन फोकल लेंथ सर्टेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवेन, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पे लिखे, तो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है ये लेंस समझना, ये जनरल लेंस इसे समझना, जब तक बोला ना जाए इसके और इसके बारे में। तो सिर्फ क्वेश्चन में अगर कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो आप इसी लेंस को लेकर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और 99% केसेस में हमें इसी लेंस के साथ ही डील करना है। आगे बढ़ते हैं, कॉनकेव लेंसेज, जिस तरह यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स के बारे में यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है तीनों को, सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव लेंस भी होगा। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉनकेव लेंस में फर्स्ट जनरल लेंस होता है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये जो लेंसेज है बहुत थिन लेंसेज हैं, बनाने के लिए तुम बना दो इस तरह से दिखाने के लिए, ध्यान रखना है दे आर थिन लेंसेज। ये पहला टाइप ऑफ लेंस। दूसरा टाइप देखो, दूसरा टाइप कैसा होगा, एक सरफेस प्लेन होगा,
और दूसरा सरफेस स्फेरिकल होगा, दिस इज प्लेनो कॉन्केव, और थर्ड इज लाइक दिस। ठीक है, तो फर्स्ट का नाम अब आप बता सकते हो, इस फर्स्ट लेंस का नाम यह है बाई कॉन्केव और इक्वी कॉन्केव। सेकेंड में देखो, एक सरफेस प्लेन है, ठीक है, लेकिन नेचर कैसा है इसका, कॉन्केव है, तो इसे लिखेंगे प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव। थर्ड देखो, यह है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है, एक है, एक पार्ट कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है या फिर ये पार्ट देख लो कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। सेम यहाँ पे भी सेम इसी तरह आपको समझना है, यहाँ पे बाई कॉन्केव और इक्वी कॉन्केव का मतलब है कि यहाँ पे दोनों सर्फेसेस स्फेरिकल है, दोनों सर्फेसेस स्फेरिकल है। इफ़ यू ट्राई टू कंप्लीट द स्फीयर्स, दोनों सर्फेसेस स्फेरिकल है, यहाँ पे एक सर्फेस प्लेन है और दूसरा सर्फेस कॉन्केव है, ठीक है, बट इसका नेचर फाइनली कैसा है, नेचर इसका कॉन्केव होगा, मतलब ये डाइवर्जिंग नेचर का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता है ये, सेकेंड नेम प्रॉपर्टी या फिर नेचर बताता है। नेक्स्ट कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो मतलब इसके शेप के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, एक शेप, एक सर्फेस उसमें से कॉन्वेक्स जैसा होगा, और नेचर क्या है, कॉन्केव, मतलब ये फाइनली डाइवर्जिंग ही होगा। इसमें भी देखो, एक सर्फेस आपका स्फेरिकल दिखेगा, ठीक है, अगर ये तुम इस सर्फेस को निकाल लेते हो तो ये सर्फेस तुम्हारा स्फेरिकल दिखेगा इस तरह से। तो आई होप आई एम क्लियर, समझ आ रहा है सबको, कॉपी कर लेंगे। देखो मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, इसीलिए इंट्रोडक्शन ऐसे तो 20-25 मिनट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, बट क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल से आपको समझा रहा हूँ एक एक बात, तो टाइम लग रहा है, आराम से करो, ठीक है। अगर आपको ये सब बात पता है तो डायरेक्टली इसके बाद वाला लेक्चर देखो, ये लेक्चर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टर्म्स देखेंगे, क्या क्या टर्म्स है, जिस तरह मिरर्स में हमने देखा था ना, मिरर्स में क्या क्या टर्म्स है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, ये सब क्या होता है, उसी तरह से एक इंट्रोडक्शन लेंसेज के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक। आपको यहां पे एक नई चीज आपको समझ आई होगी कि लेंस हम थिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंस, क्योंकि एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन होगा। देखो अंदर दूसरा मीडियम है, जब रे ऑफ लाइट पास करेगा तो अंदर रिफ्रैक्शन होकर के लाइट बहुत ज़्यादा, रे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए हम पतला लेंस लेते हैं ताकि शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा ना हो पाए, शिफ्टिंग कम हो। तो ये सब चीज़ बेसिक बातें जो आपको बुक्स में तो नहीं मिलेंगी, हाँ मेरे लेक्चर में आपको सब कुछ मिलेगा, तो इसीलिए जैसे पढ़ाया जा रहा है आपको उस तरह पढ़ो और मेहनत करो। तो आगे बढ़ते हैं, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस लेंसेस, ठीक है, तो क्या क्या टर्म्स हैं, तो कुछ टर्म्स इस तरह से हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, थर्ड फोकस, फोकस या फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट, अच्छा फोकल पॉइंट से हम पहले हमें करना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, एंड फिफ्थ में हम करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद, फोकल लेंथ, यस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, चलो देखते हैं, और अगर कोई टर्म छूट गया होगा तो बीच में उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस करेंगे, मैं एक बड़ा सा लेंस बनाऊंगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों केसेस में डिस्कस करेंगे, कॉन्केव के केस में भी और कॉन्वेक्स के केस में भी। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स के केस में डिस्कस कर लेते हैं, देखो लेंस थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, थिकनेस थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपको याद रखना है यहाँ पे लेंसेज का थिन, सॉरी लेंसेज का थिकनेस क्या है, लेंसेज का थिकनेस क्या है, कम है, ठीक है, थिन लेंसेज है, मतलब ये लेंस चपटा है, बहुत थिन है, एक लाइन बना दो तो उतना थिकनेस है उसका, नेग्लिजिबल। और दूसरा लेंस हमारे पास है ये छोटा सा, छोटा सा तो नहीं है, बड़ा सा कॉन्केव लेंस,
कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. अब टर्म्स देखो कैसा कैसा टर्म्स यहाँ पे मिलता है. तो इस लेंस में हमें पता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें दिख रहा है ये, और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमें दिख रहा है ये. तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हम यहाँ पे स्फीयर कंप्लीट कराते हैं. ये स्फीयर है, फर्स्ट स्फीयर, और ये हो गया सेकंड स्फीयर. छोटा बड़ा हो गया, दोनों शेप सेम साइज का होगा, दोनों सेम साइज का रहेगा ये. ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह सेम. एक स्फीयर यहाँ से इस सरफेस को लेकर के कंप्लीट करेंगे, और एक स्फीयर इस सरफेस को लेकर के कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे भी छोटा बड़ा हो गया तो माफ़ करना, बना लेना खुद से. चलो अब देखो, अब आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा. अब देखो यहाँ सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो हर एक स्फीयर का अपना अपना सेंटर होगा. जैसे इस स्फीयर को ले तो इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा. इस सेंटर को नाम दे देंगे C1 और इसे दे देंगे C2, क्योंकि इस लेंस में दो सेंटर्स हैं तो दोनों सेंटर को नाम देना होगा. एक सेंटर को नाम लिखेंगे C1 और दूसरे सेंटर को नाम लिखेंगे C2. तुम्हारी मर्जी, तुम उसे C1 लिखो, इसे C2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जब तक तुम 10th क्लास में हो या 12th में भी, ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए. बट हाँ, C1 और C2 को भी हम डिफाइन करते हैं, कौन सा सेंटर 1 होगा, कौन सा सेंटर 2 होगा. मैं क्लियरली यहाँ पे बोल रहा हूँ इस बात को. C1 और C2 या F1 F2, क्योंकि यहाँ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो फोकल लेंथ, दो फोकस इस तरह से होगा. तो F1 F2 C1 C2 हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसको डिफाइन करके हम अलग अलग बना सकते हैं. बट कोई बात नहीं अभी अपने लेवल के लिए, क्योंकि इसमें तुम्हें कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा C1 है, कौन सा C2 है. तो अपने लिए तुम समझ लो कि किसी भी तुम C1 रख लो, किसी भी तुम C2 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो स्फीयर्स है तो एक स्फीयर C1 ले लो और एक स्फीयर को C2 ले लो. ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल, द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल लेंस या लेंस इज अ पार्ट ऑफ. ठीक है, इस स्फीयर के सरफेस का जो पार्ट है उसका सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. C1 C2 डिफाइन कर लेना अपने बुक में, तुम्हें मिल जाएगा डेफिनेशन एंड ऑल. हम उतना ज़्यादा डेफिनेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो डेफिनेशन तुम लिख लोगे. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद एक और टर्म डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करते हैं. अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है सबको पता है. ठीक है, लाइन जॉइनिंग दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. मिरर्स में क्या था? लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता था वो कहलाता था प्रिंसिपल एक्सिस. बट इस केस में लाइन जॉइनिंग बोथ दी सेंटर्स इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. ये है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं. ऑप्टिकल एक्सिस, अनदर नेम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस. आगे बढ़ते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, पहले ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन कर लेते हैं. ऑप्टिकल सेंटर देखो क्या है. ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का सेंटर, यहाँ पे ये पार्ट, अगर इस लेंस के बारे में बात किया जाए, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्केव लेंस का अगर ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बात किया जाए, तो इसका जस्ट सेंट्रल पॉइंट ये पार्ट, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर. ये सेंट्रल पॉइंट, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर. अब आपको दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो आपको ये बात याद रखना है, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेगा. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के अंदर ही हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है. ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सरफेस भी पे भी हो सकता है और बाहर में भी हो सकता है. इमेजिन करो दो अलग अलग लेंसेज, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स. क्या उसमें ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल बीच में होगा लेंस के? नहीं, डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे. तो पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर कर लेते हैं, फिर बताते हैं इसके बारे में आपको ऑप्टिकल सेंटर. ये ज़रूरी नहीं कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के अंदर ही हो, ऐसा नहीं. दिस ऑप्टिकल सेंटर इज नॉट द ज्योमेट्रिकल सेंटर. ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब बिल्कुल सिमेट्री में नहीं होगा ये, बिल्कुल बीच में नहीं होगा ये. कभी ये बाहर भी होगा, कभी ये सरफेस पे भी होगा. अलग अलग लेंसेज के टाइप्स पे डिपेंड करता है ये कहाँ पर होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है. चलो ऑप्टिकल सेंटर पे फिर आएंगे थोड़ी देर के बाद. पहले हम सारे जनरल टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है.
रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा जैसे हम मिरर में सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते थे, याद करो सारे डिस्टेंसेस को हम मिरर्स में पोल्स में पोल से मेजर करते थे, उसी तरह यहाँ लेंसेस में हम सारे डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, सारे डिस्टेंस को, मतलब C2 की तरफ ऑप्टिकल सेंटर से हम यहाँ जाएंगे, सॉरी एक सेकेंड, सारे डिस्टेंसेस को हमें ओ से मेज़र करना है, बट यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये पूरा सर्कल हो गया, तो रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, होगा ना, बट मैंने क्या कहा आपको, हम जो लेंस ले रहे हैं वो लेंस बहुत ही थिन है, बिल्कुल पतला लेंस ले रहे हैं हम। अब पतला लेंस जब लोगे तुम तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो तो इन सरफेस के बिल्कुल पास में होगा ना, बिल्कुल पास में होगा, तो मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से मेज़र करेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करना है। इसमें आपका आप सोच सकते हो कि कैसे ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किया जाए जब रेडियस हमें दिख रहा है, रेडियस इस सरफेस से लेकर के इस सरफेस तक होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये होगा ना, जैसे आप तुम इस यहाँ पे इसका रेडियस निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये होगा, और यहाँ से ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ठीक है। बट सारे डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये लेंस इतना पतला है कि ये लेंस पतला हो करके बहुत ज़्यादा पतला हो गया, और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर लगभग देखा जाए तो यहीं पे लाई कर रहा है, मतलब इस पार्ट से इधर और इस पार्ट से इधर कितना दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर उस सरफेस तक, जैसे अगर तुम इस डिस्टेंस को देखोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच का दूरी, ये तो लगभग नेग्लिजिबल है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को मान सकते हैं कि यहाँ वो ऐसा है। तो याद रखना सारा डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से तभी मेज़र करेंगे जब लेंस बहुत पतला है, थिन लेंसेज हैं, ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये होगा आपका, ठीक है। लेकिन हम लेंस को आगे बताएंगे किस तरह से हम करते हैं, लेंस को हम डिवाइड कर देते हैं इस तरह से बीच से, ये इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं एजेस से, और सारे डिस्टेंस को हम यहाँ से लेते हैं ये और ये, क्योंकि ये पार्ट ये थिन लेंस है, इसी बीच वाले पार्ट को लेते हैं, सारा रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, सारा रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा। जैसे देखो ये लेंस है, दिखाने को तो हम दिखा रहे हैं कि ये थिक है, बट हमें पता है कि लेंस थिन है, बीच में एक लाइन ज्वाइन करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओके। जब लाइट रेस इंसिडेंट होगा इस लेंस पे इस तरह से, तो सारा का सारा रिफ्रैक्शन यहाँ से लेना है हमें, क्योंकि लेंस थिन है। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन नहीं लेना, तुम सोचोगे कि सरफेस तो यहाँ पे है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो यहीं से रिफ्रैक्शन दिखा देते हैं, नहीं, आपको पता है लेंस थिन है तो लेंस को और रे को अंदर ले जाकर यहाँ से रिफ्रैक्शन हमें शो करना है बीच से, क्योंकि ये जो पार्ट है ना इसे मानेंगे हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिंग पार्ट, क्यों, क्योंकि लेंस हमारा थिन है, तो सारे डिस्टेंसेस को हम यहीं से मेजर करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक C1 तक, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। अब समझ आई बात, तो ये सब स्टोरीज हैं यहाँ पे। अगर आपको समझ आ रहा है तो एक कमेंट कर देना किस तरह हम, लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैंने आपको बताया ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अब एक और बात सुन लो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हमेशा R2 के बराबर होगा, ज़रूरी नहीं है। इस केस में तो R1 R2 के बराबर होगा, और इस केस में भी, यहाँ पे भी अगर हम यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर ले, रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, अगर हम ये ले लें R1 और ये ले लें R2, अब आप समझ रहे हो ना कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, किसको मेज़र कर रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, तो तुम ऑप्टिकल सेंटर से लो या यहाँ से लो फ़र्क नहीं पड़ता। तो R1 R2 इस केस में भी R1 और R2 दोनों बराबर होगा, R1 और R2 दोनों बराबर होगा इस केस में भी, ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। अब ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल बीच में तभी लाई करेगा जब R1 और R2 बराबर है, तब R1 और R2 बराबर है तभी ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल लेंस के बीच में लाई करेगा। बट अगर R1 और R2 का वैल्यू अलग अलग है, जैसे एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, देखो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसमें एक सरफेस, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्लेन और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लेंगे हम कहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड पार्ट का यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 मान लो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ये,
R1 ले लो, बट R2 किस सरफेस का होगा? R2 होगा इस प्लेन मिरर का, ये सरफेस का, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? R2 होगा, है ना। तो ये कितना होगा? प्लेन मिरर का वीडियो देखे हो ना तुम लोग, मैंने आपको बताया था ना प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है। मैंने आपको बताया था ये होता है इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ R2 का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। इसका प्लेन मिरर का, प्लेन सरफेस का रेडियस, चाहे वो प्लेन सरफेस मिरर में हो, चाहे वो प्लेन सरफेस लेंसेस में हो, प्लेन सरफेस का हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे होता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी पे होता है। सोचो तुम इस प्लेन, इस छोटे से लाइन से तुम कितना बड़ा सर्कल बना सकते हो? बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। अब बहुत बड़ा सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर भी बहुत दूर होगा, सेंटर दूर होगा तो रेडियस भी दूर होगा, मतलब इन्फिनिटी हम ले सकते हैं। तो R2 यहाँ पे इन्फिनिटी और R1 यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मतलब R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2। यहाँ देखो R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2। अब इस केस में तुम ये नहीं बोल सकते कि ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल लेंस के बीच में यहाँ पे लाई करेगा, नहीं ये गलत है। ऑप्टिकल सेंटर अब इस केस में अलग होगा क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 दोनों अलग है, अब यहाँ बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है। खैर इतना डिटेल में हमें ये सब नहीं सीखना है कहाँ पे लाई करे, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमें सिर्फ इस लेंसेज के बारे में पढ़ना है, बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव। ये सब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है ना कि क्या R1 R2 हमेशा बराबर होगा? नहीं। क्या R1 R2 हमेशा छोटा होगा, मतलब हमेशा अनइक्वल होगा? नहीं। कभी बराबर होगा, कभी R1 R2 से बड़ा होगा, कभी R2 R1 से बड़ा होगा, दोनों हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। और ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है R1 और R2 के वैल्यू पे। R1 R2 बराबर तो ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल बीच में लाई करेगा, R1 R2 बराबर नहीं है तो ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल लेंस के बीच में लाई नहीं करेगा। इतना क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ गए सारे डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो कब लेना है और कब नहीं लेना है। अब एक और बात सुनो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिलेटेड, जब किसी रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, डायरेक्टली इंसिडेंट करेंगे तो वो रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास होगा। मैंने क्या कहा फिर से सुनो, जब हम एक लेंस बनाते हैं और ये लेंस है थिन लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, यह ऑप्टिकल सेंटर है इसका लेंस का, अगर हम किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करें डायरेक्टली इस ऑप्टिकल सेंटर पे तो ये रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पार होगा। अनडेविएटेड देखो, विदाउट एनी डेविएशन, डेविएशन होगा ही नहीं, सीधा पास हो जाएगा इस तरह से। अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी रे ऑफ लाइट को हम डेविएट नहीं कर पाएंगे, कोई रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं होगा ऑप्टिकल सेंटर से, सीधा आएगा और सीधा पास हो जाएगा। इसी तरह कॉन्वेक्स कॉन्केव के केस में भी होगा, सेम केस कॉन्केव के केस में, इसमें R1 R2 बराबर होता है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल यहां पे सेंटर पे बीच में लेंस के सेंटर पे। अब रे ऑफ लाइट देखो, विदाउट एनी डेविएशन ये पास होगा इस तरह से, क्लियर, इस तरह से कोई डेविएशन नहीं होने वाला। तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पासेस अनडेविएटेड, ये लिख लेना स्टेटमेंट में, ठीक है, पासेस अनडेविएटेड एंड ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये भी लिख लेना। मैंने आपको बता दिया किस तरह डिस्टेंसेज को मेजर करते हैं सारे ऑप्टिकल सेंटर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह यहाँ पे मेजर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया, पहले ये सब कॉपी कर लेना, और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई ऑन द लेंस या इनसाइड द लेंस, ऑन द लेंस एंड आउटसाइड द लेंस, ये डिपेंड करेगा R1 और R2 के वैल्यूज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बच गया हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस हो गया। दो चीज़ें बच गई हैं, फोकस और फोकल लेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशंस मैंने आपको पढ़ाया था मिरर्स के केस में, जैसे मिरर्स के केस में हम साइन कन्वेंशंस को कंसीडर कर रहे थे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन आएगा वो पॉजिटिव और इंसिडेंट रे से अपोजिट जो भी डायरेक्शन आएगा वो नेगेटिव होगा, सेम उसी तरह यहाँ पर हम सीखेंगे फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। रब करें से ये फिगर बना लिए हो तो पॉज करके बना लेना अगर छूट गया तो।
सारा इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिल जा रहा है लेंसेज से रिलेटेड। तो अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और कितने लोगों को बेनिफिट हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर हो रहा है। तो फोकल लेंथ और फोकस डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मेरे पास दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, जैसे कॉन्वेक्स के किस में पहले लेंगे उसके बाद कॉन्केव डिस्कस करेंगे, देखिएगा इस रिफ्रैक्टिंग पार्ट का स्फीयर ये रहा, और इस रिफ्रैक्टिंग पार्ट का स्फीयर ये रहा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। दोनों का शेप थोड़ा बड़ा हो जा रहा है मुझसे, तुम लोग बनाना तो दोनों का शेप बराबर बनाना। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक को मान लो C1 और दूसरे को मान लो C2, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लाइन जॉइनिंग दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब हमें बताना है फोकस कहाँ पे है इसका, इसका फोकस कहाँ पे है। तो देखो, फोकस क्या होता है, मिरर के किस में हमने पढ़ा था, एक पैरेलल रेज इंसिडेंट होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन जिधर मिले, जिस पॉइंट पे मिले प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो कहलाता है फोकस। तो इस केस में फोकस कैसे हम बताएंगे, फोकस कौन सा है, फोकस या प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस कौन सा है। तो इसके लिए हमें एक पैरेलल रे बनाना होगा। देखो, ये पैरेलल रे, रिफ्रैक्शन कहाँ से कराना है हमें, सेंटर से, इस पार्ट से कराना है हमें रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से एक रे गया पैरेलल, ये एक रे यहाँ से ले लेते हैं पैरेलल। नाउ, क्योंकि ये हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का होता है कॉन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज करेगा, सारे रेज को कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ से रेज कन्वर्ज होकर यहाँ गया और यहाँ से कन्वर्ज होकर यहाँ गया। तो देखो, दोनों रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है और ये कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, हाँ या ना, कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है और ये कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस एफ। अब यहाँ पे क्योंकि दो प्रिंसिपल फोकस है तो ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, क्योंकि C2 में है तो ये F2 हो जाएगा, और इधर का प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा F1। अब मैंने आपको बताया था फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होता है। तो पहले ये समझो कि फोकस क्या होता है। फोकस ऐसा पॉइंट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through a point on the principal axis of a convex lens and that particular point is called as a principal focus or focal point or focus of a convex lens. Definition लिख लेंगे। Passes through a point on the principal axis of a convex lens. This point is called principal focus of a convex lens. Clear? A ray of light parallel to the principal axis of a convex lens after refraction passes through a point on the principal axis of a convex lens. This point is called the principal focus of a convex lens. Clear? Clear है? जब भी ray of light parallel हो, हमेशा वो refraction के बाद एक point से pass करेगा on the principal axis और वो point कहलाएगा principal focus. क्योंकि हमारे पास दो centers हैं, तो यहाँ पे भी दो focus होगा हमारे पास. एक focus को F2 बोल देंगे और एक focus को F1 बोल देंगे. अब आगे सुनो. अब इससे आगे क्या है कि focal length क्या होता है? ठीक है, जिस तरह ये हो डिफाइन कर रहे हैं हम, उसी तरह कॉनकेव के भी करेंगे. कॉनकेव के लिए देखो क्या हो जाएगा. अगर हम एक कॉनकेव लेंस बनाते हैं, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस, और इस कॉनकेव लेंस का भी देखोगे तो दो स्फेरिकल सरफेस होगा, एक ये और एक ये, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1
दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस, एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. नाउ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल, इसका सेंटर बना लेंगे, ये रहा रिफ्रैक्टिंग पार्ट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ वी ऑल नो कि ये नेचर इसका डाइवर्जिंग है, रेस को ये डाइवर्ज करेगा, तो ये रेस को डाइवर्ज कर दिया और ये रेस को डाइवर्स कर दिया. जब इस रेस को वापस से बैकवर्ड प्रोड्यूस कराया जाएगा, देखो डाइवर्स कर गया मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं मिलेगा नहीं, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे इसे मिलाने के लिए, इंटरसेक्ट कराने के लिए इसे हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसे हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये पॉइंट कहलाएगा फोकस, इसे F1, और यहाँ पे सिमिलरली एक और फोकस होगा, ये कहलाएगा F2. सो दिस इज F1 एंड F2. सेम लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेंगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू पास, यहाँ पे ज्वाइन कर देना, अपीयर्स टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस. अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा किसका फोकस रियल है और किसका फोकस वर्चुअल है. मैंने आपको बताया था रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से बनता है रियल फोकस, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से बनता है वर्चुअल फोकस. यहाँ देखो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से, यहाँ हो गया रियल फोकस और यहाँ हो गया वर्चुअल फोकस. इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा और उस केस में रियल इमेज बनेगा. तो दिस इज वर्चुअल फोकस, वहाँ रियल फोकस. लिखना चाहो तो लिख लो वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस, और यहाँ देखो रियल फोकस, रियल फोकस. रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स है, यहाँ रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स तो हो नहीं रहा, रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस. आगे बढ़े, फोकस हो गया. अब फोकल लेंथ देखो क्या है. फोकल लेंथ है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. डिस्टेंस ऑफ फोकस, ये है फोकस का डिस्टेंस, ये है फोकस. डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस, ये कहलाएगा फोकल लेंथ F2. ठीक है, इधर मेजर करेंगे तो F1 हो जाएगा, ये फोकल लेंथ F2. डिस्टेंस ऑफ दिस फोकस फ्रॉम दिस दैट्स कॉल्ड एज F1. ठीक है, इसे कहते हैं फोकल लेंथ. ठीक है, और हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है F1, ये उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इस केस में. यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फोकस है वो F2 है, यहाँ पे F2 इंपॉर्टेंट है, F1 से कुछ नहीं है. F1 ऐसे ही लिखो ना लिखो तुम्हारे ऊपर है. अच्छा, C1 को एक और नाम दिया गया है, C1 को हम 2F1 भी कह सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है. किस तरह के लेंसेज के लिए, किस तरह के मिरर्स के लिए ऐसा होता था, मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड फॉर पैराएक्सियल रेज, ये सब बात आपको पता है ना मिरर्स के केस में. सिमिलरली यहाँ पे भी थिन लेंसेज है और जो रेज है वो बहुत ही पास है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास है. ऐसे तो बनाने के लिए हम रेज को बहुत ऊपर से बना रहे हैं, बट ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज गया है, तो ये पैराएक्सियल रेज है. तो इस तरह के रेज के लिए और इस तरह के लेंसेज के लिए जहाँ पे बहुत थिन लेंसेज हम ले रहे हैं, तो उसके लिए ये और ये बराबर होता है. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से F1 की दूरी मतलब फोकस और ये बराबर होता है. मतलब यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F, या फिर F इज इक्वल टू R बाई 2. ये सब मैंने आपको बताया है मिरर के लेक्चर में, क्यों ऐसा कब होगा कब नहीं होगा, तो आप प्लीज़ जा करके मिरर का लेक्चर देख लो, आपको समझ आ जाएगा F इज इक्वल टू R बाई 2 हमेशा के लिए ट्रू है या फिर किसी स्पेशल कंडीशन के लिए ट्रू है, ये आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, वहाँ जाकर देख लेना, यहाँ इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले. तो आगे देखो क्या है, यहाँ हो गया F2, यहाँ पे F1 इनसिग्निफिकेंट है, F2 सिग्निफिकेंट है, हम F2 को लेकर ही बनाएंगे यहाँ पे इमेजेस. यहाँ पे इसी तरह F2 इनसिग्निफिकेंट और यहाँ पे F1 सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, अब हम साइन कन्वेंशन पे बात कर रहे हैं, अब आपको बताना है कि यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे. तो देखो ये जो डायरेक्शन है, ये फोकल लेंथ का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, मतलब एफ ऑफ कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कैसा होगा, पॉजिटिव. क्लियर है? उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ. अब ये जो फोकल लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, ये फोकल लेंथ इस डायरेक्शन के, इस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. याद रहेगा कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव.
सेम इसी तरह ट्रू होगा मिरर्स के लिए भी. मिरर्स के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा. जो बात मिरर्स के लिए ट्रू है फोकस फोकल लेंथ के लिए साइन कन्वेंशन के लिए, वही सेम बात यहाँ पे लेंसेज के लिए भी ट्रू है. मैंने शॉर्ट में आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था किस तरह से आप याद कर पाओ. देखो ये प्लस की तरह दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स में जो एक्स है वो प्लस की तरह दिख रहा है, मतलब इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव. क्लियर है, बात क्लियर हुई किस तरह से आप फोकल लेंथ लोगे किस तरह से नहीं लोगे. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में ये रिलेशन है, कब ट्रू है कब ट्रू नहीं है आप जाकर देख लेना मिरर के चैप्टर में, मिरर के लेक्चर में. यहाँ पे थिन लेंसेज के लिए और पैराएक्सियल के लिए ये ट्रू है. क्लियर. तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक, फोकल लेंथ भी हमने डिस्कस कर लिया. कुछ छूटा तो नहीं देखने दो मुझे, अगर कुछ छूट गया हो तो उसको करा देंगे फिर से. नहीं कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ हो गया है. ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आप C1 और C2 को क्या ले सकते हो, C1 को हम ट्वाइस ऑफ F1 भी ले सकते हैं और C2 को हम ट्वाइस ऑफ F2 भी ले सकते हैं. क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है. तो यहाँ से यहाँ तक F1 है तो यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस ऑफ F1, यहाँ से यहाँ तक F2 है तो यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस ऑफ F2. ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ F1 भी ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ F2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. सो ठीक है, फिर यहाँ था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लेंसेज, ये खत्म होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लेंसेज. नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम रिलेटेड टू लेंसेज. उसके बाद हम करेंगे लेंस फॉर्मूला, फिर हम करेंगे पावर, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस. तो ये लेक्चर की मैंने आपको बोला था जैसे स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर बहुत लेंदी होने वाला है, क्योंकि एक लेंदी टॉपिक है ये, एक लेंदी चैप्टर. लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारा चीज़ कवर करना था, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारा चीज़ कवर करना था, तो चीज़ों को हम इसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं. तो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड मोटिवेट करें. थैंक यू वेरी मच.